ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 25 मार्च 1968। अपन को आत्मा समझ कर बैठो और बाप को याद करो। बाबा पूछते हैं, जब भी कहाँ भाषण करते सभा में बैठते हो तो घड़ी घड़ी ये पूछते हो, शिव बाबा याद है? बाबा बच्चों के भाषण सुनना चाहते हैं तो देखें किस प्रकार भाषण करते हैं। जब कोई समझने आते हैं व भाषण करते हो तो पहले ये प्रश्न पूछते हो कि तुम अपन को आत्मा समझते हो या देह समझते हो। क्योंकि इसे स्पिरिचुअल नॉलेज का आधार ही है अपन को आत्मा समझना। आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। अपन को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा बाप को याद करो। अपन को आत्मा समझेंगे, आत्माओं के बाप परम पिता परमात्मा को याद करेंगे। जान कर और समझ कर तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। क्या युक्ति हुई विकर्म विनाश करने की? युक्ति हुई कि आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, विकर्मों का बोझा चढ़ता है और परम पिता परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। वो एक ही है, न जन्म मरण के चक्र में आता है और न विकर्मी बनता है। वो तो कर्म अकर्म विकर्म की गति बताने वाला है। तो ऐसे वर प्योर को याद करेंगे तो तुम भी प्योर बन जावेंगे। उनको योगाग्नि कहा जाता है। अग्नि कचड़े को भस्म कर देती है ना, तो ये बाप की याद भी जन्म जन्मांतर के कचड़े को भस्म करने वाली है। निराकार बाप निराकार बच्चों को कहते हैं। कहते हैं माना वो निराकार सिर्फ बिंदु नहीं है, वो साकार तन में आकर के साकार में वाणी चलाता है, लेकिन निराकार ही स्टेज में। कहते हैं मुझे याद करो, मना जो साकार में आया हुआ निराकार है उस निराकारी तेज वाले को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जावेंगे और तुम पावन बन जावेंगे। तुम्हारी याद भी कोई निवृत्ति मार्ग की याद नहीं है, सिर्फ बिंदु को याद करेंगे या सिर्फ साकार को याद करेंगे? नहीं, साकार और निराकार दोनों के मेल को याद करना है। ऐसे करने से तुम मुक्ति जीवन मुक्ति पावेंगे।
और मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों सभी को पानी है, और सभी आत्माओं को मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है जरूर। एक परमपिता परमात्मा ही है जिसके लिए न मुक्ति की बात है और न जीवन मुक्ति की बात है, वो तो सदा शिव है। इसलिए उसकी याद से तुम्हारे पाप कर्म भस्म होते हैं। तो घड़ी घड़ी ये कहना पड़े अपन को, आत्मनिश्चय करके बैठो, देवान में बैठेंगे तो पाप बढ़ेंगे या घटेंगे? और ही बढ़ जाएंगे। तो बोलो भाइयों और बहनों, अपन को आत्मा समझ कर बैठो और बाप को याद करो। ये फरमान बाप ने दिया है और यही आदि की यात्रा है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम पाप आत्मा से पावन आत्मा बन जाएंगे। ये तुम घड़ी घड़ी याद करावेंगे, समझावेंगे, तब ही समझेंगे। घड़ी घड़ी बताओ, आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है? अविनाशी आत्मा ही विनाशी देह धारण करके पार्ट बजाए, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा का स्वधर्म तो शांत है, परंतु अभी वह आत्मा अपने स्वधर्म को नहीं जानती है। अनेक जन्मों की प्रैक्टिस पड़ी हुई है परधर्म में रत रहने की। पर है देह, आत्मा है स्व। अभी बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। मूल बात ये है, पहले पहले तो तुम बच्चों को ये मेहनत करनी पड़े आत्मिक स्थिति में स्थित होने की। वेद का बाप आत्माओं को कहते हैं। मना आत्माओं को कहते हैं, देह अभिमानियों को नहीं कहते। धारण भी आत्मा अभिमानी करेंगे, इसमें कोई शास्त्र आदि की मिसाल उठाने की भी दरकार नहीं है। गीता का तुम मिसाल देते हो तो भी कहते हैं तुम सिर्फ गीता क्यों कहते हो, वेद का नाम क्यों नहीं लेते हो? तो क्या कहेंगे? पहले गीता है या पहले वेद है? शास्त्रों में लिखा है वेदवाणी ब्रह्मा के मुख से निकली। गीता ब्रह्मा के मुख से निकली ये नहीं कहते। विद माने जानकारी, जानना, उससे बनता है वेद माने जानकारी। सत्य क्या है उसकी जानकारी। परंतु उन्हें पूछना है तुम वेद का नाम क्यों नहीं लेते हो, तो बोलो ब्रह्मा के मुख से जो वेदवाणी निकली वो वेदवाणी को न ब्रह्मा ने पहचाना जाना,
और न उस रचयिता बाप को जाना। वेदवाणी सामान्य रूप से कोई की समझ में नहीं आती, वो बाप ही आकर के वेदवाणी का क्लेरिफिकेशन देते हैं। शास्त्र भी जो लिखे गए हैं वो बाद में वेदवाणी का क्लेरिफिकेशन है। अभी यहां वही शूटिंग हो रही है। ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी तो निकली, सुनने वालों ने सुनी और सुनाने वालों ने सुनाई, परंतु उसका रहस्य क्या है, गुही अर्थ क्या है, न स्वयं ब्रह्मा ने जाना, न ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्राह्मणों ने जाना। इसलिए उस वेदवाणी को कहो, मुरली को कहो, गीता ज्ञान अमृत नहीं कह सकते। अमृत तब कहा जाता है जब मंथन किया जाए। ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी का जब तक मंथन न हो तब तक सार निकल नहीं सकता, और सार रूप में जब तक आत्मा टिके नहीं तब तक कोई भी प्रकार के विस्तार में भी नहीं जा सकती। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तब ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम गीता का मिसाल ठीक देते हो, क्योंकि गीता ज्ञानामृत कहा जाता है। अभी तुम मंथन करते हो तो नई नई बातें निकलती हैं। बाबा ने कहा था उनसे पूछो वेद किस धर्म शास्त्र का नाम है, वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ। धर्म तो मुख्य है ही चार, और चार ही वेद बताते हैं, परंतु ये वेद किस धर्म का शास्त्र है कब कोई ने बताया क्या। कहते हैं वैदिक धर्म के हैं, आर्यों के हैं। आर्य किसको कहा जाता है, हिंदू धर्म तो है ही नहीं, और आदि सनातन तो देवी देवता धर्म है, फिर ये आर्य कौन सा धर्म है। आर्य तो कोई धर्म ही नहीं, आर्य तो आर्य समाजियों का धर्म हो गया। आर्य धर्म तो नाम ही नहीं है, ये आर्य धर्म किसने स्थापन किया। वास्तव में तुमको गीता का भी नाम नहीं उठाना है। पहली बात अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जावेंगे। इस समय सभी तमो प्रधान है, पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, और महिमा भी बाप की करनी है। वो बाप ही शांति का सागर है। वो बाप कहते हैं माम एकम याद करो, उस शांति सागर बाप को याद करेंगे तो तुम शांत हो जावेंगे।
तुमको शांति मिल जाएगी। तो बाप की महिमा करनी है ये भी तुम तब कह सकेंगे जब खुद शांत स्वरूप में स्थित होंगे। बाप को याद करते होंगे, इस बात में बच्चों को बहुत कमजोरी है। बाप हमेशा कहते हैं याद की यात्रा का चार्ट भेजो, कोई का भी चार्ट बाबा के पास नहीं आता। अनन्य बच्चों के लिए बाबा कहते हैं दिल से हर एक पूछे हम कहां तक याद करते हैं। दिल से यथा खुशी रहनी चाहिए, तुमको अंदरूनी खुशी होगी तो दूसरे को भी समझाने का असर होगा। मैं भी तो देखूं अनन्य बच्चे मुझे कितना याद करते हैं। बाबा के पास राजाओं के चित्र बना कर ले आए थे, अभी चित्र बनाना होता है सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग का। ऐसे राजा रानी को चित्र हो जो प्रवृत्ति मार्ग के हो, दोनों हो राजा और रानी, एक का क्यों हो? वो तो निवृत्ति मार्ग हो जाए। सिंगल राजा का चित्र लावेंगे तो निवृत्ति मार्ग का हुआ, बाबा तो पास ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा तो जिस धर्म की स्थापना करते हैं वो तो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। निवृत्ति मार्ग के धर्म की स्थापना तो विधर्मी धर्म पिताएं करते हैं, वो प्रवृत्ति को मानते ही नहीं। अवतार भी दिखाई दिए हैं 10, उनमें रामकृष्ण के अवतार ही प्रवृत्ति को मानने वाले हैं, बाकी तो जो भी अवतार हैं जानवरियत के अवतार दिखाई दिए। वो धरणी का आधार लेते ही नहीं है। धरणी माने कन्याएं माताएं, सिर्फ ज्ञान का आधार लेकर के चलते हैं, अपने ही अहंकार में मगरूर रहते हैं। बाप तो आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते और कहते भी हैं मैं कन्याओं माताओं के द्वारा स्वर्ग के गेट खोलता हूं। माता गुरु को आगे करना होता है। तो बाबा निवृत्ति मार्ग के चित्रों को पास नहीं करेंगे, कहेंगे तुमने अपनी मत से बनाया है। अगर कोई ने कहा कि फलाने ने ये चित्र बहुत अच्छा बनाया है, बाबा तो कहेंगे ये राय अच्छी नहीं है, ये प्रवृत्ति मार्ग के राजा रानी का है। निवृत्ति मार्ग तो होता ही है सन्यासियों का। तो पहले पहले मूल बात ये कहना है भाइयों और बहनों, अपन को आत्मा समझो। आत्मा राजा है और शरीर तो उसके अधीन होना चाहिए। ये प्रवृत्ति है शरीर और आत्मा की। ऐसे और कोई सत्संग में नहीं समझाएंगे। और वास्तव में सत्संग तो कोई है ही नहीं, सब कुसंग है। सत्य तो एक बापी है जो आकर के सनातन धर्म की स्थापना करते हैं।
सत्य का संग तो एक ही है। आत्मा को भूतों का संग करना पड़ता है। ये है बिल्कुल नई बात। कहां भूतों का संग करना पड़ता है, है? द्वापर कलयुग में आत्मा को पांच भूतों का संग का रंग लगता है। ये शरीर है पांच भूतों का संघात। तो क्या सतयुग त्रेता में शरीर नहीं होते? देह तो होती है, परंतु देह में आत्मा का लगाव नहीं लगता है। कि वेद आदि कुछ भी नहीं है, वेद से तो कोई धर्म स्थापन नहीं हुआ है, तो हम वेदों को क्यों माने? ये तो भक्ति मार्ग के अनेक वेद शास्त्र बनाए हैं। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। कोई में भी ये नॉलेज नहीं है, खुद ही कहते आए हैं नेति नेति, हम उसके आदि मध्यंत को नहीं जानते। 25 मार्च 1968 की वाणी का दूसरा पेज। अब नहीं जानते हैं तो नास्तिक हुए ना। जो बाप और बाप की रचना को जानते हैं वो आस्तिक हैं, नहीं जानते हैं तो नास्तिक है। अभी बाप स्वयं कहते हैं कि आस्तिक बनो, रचयिता बाप को जानो और उसकी रचना को जानो। कौन है रचयिता बाप? अगर बाबा हटा दिया जाए तो शिव बाप को रचयिता कहें? शिव बाप स्वयं ही रचता नहीं है और वो रचना भी नहीं कर सकता। रचयिता और रचना का संबंध साकार में चाहिए। शिव तो आत्मा का नाम है, आत्मा तो अविनाशी सदैव है ही है, वो रची नहीं जाती। तो आत्माओं का बाप शिव साकार सृष्टि का रचयिता नहीं हो सकता। उसके लिए शिव बाप को साकार में प्रवेश करना पड़े। जिस साकार में प्रवेश करे पहले उसके अनेक जन्मों के पाप भस्म होने चाहिए। निराकार बाप शिव समान स्टेज होनी चाहिए, तब कहें निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। जब ऐसी बाप समान स्टेज कोई पहली आत्मा की बने तब वो रचयिता नई सृष्टि का कहा जाए। रचना और रचयिता का ये संबंध है। रचना पहले नहीं होती है, रचयिता जब रचता है तब रचना होती है। तो शिव बाबा है रचयिता और बाबा कहा जाता है साकार निराकार के मेल को। तो जरूर कहना पड़े पहले अपन को आत्मा समझ फिर बाप को याद करो। ये बातें गीता में कुछ हैं परंतु वेदों में तो नहीं है। तुम कोई वेदों को मानने वाले नहीं हो। वेद कोई धर्म के शास्त्र नहीं है।
और ये वेद उपनिषद आदि तो ढेर के ढेर हैं, अभी वह किस धर्म के शास्त्र हैं? कब कोई से पूछो, वो तो अपनी ही ट्रां ट्रां करते रहेंगे, तुमको तो उनकी कुछ भी सुनना नहीं है। बाप तो सहज बात समझाते हैं, अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाओगे, पावन बन करके फिर पावन दुनिया के मालिक बन सकते हो। पावन ही नहीं बने तो पावन दुनिया के मालिक कैसे बनेंगे? इसलिए इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। तुम्हारा ये त्रिमूर्ति और गोला मुख्य है, इसमें सभी धर्मों का आ जाता है। क्या? चलो गोला में तो सभी धर्मों की बात आ जाती है, त्रिमूर्ति में कैसे आ जाती है? है? त्रिमूर्ति में सभी धर्मों की बात आती है क्या? आती है। कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई, तो जो भी सृष्टि रची गई सत्य संकल्पों से सत्य सृष्टि रची जाएगी, और असत्य संकल्पों से असत्य सृष्टि रची जाएगी। ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची जाती है, तो क्या ब्राह्मणों के संकल्पों से सृष्टि नहीं रची जाती? रची जाती है। ब्रह्मा को जितनी सत्य की जानकारी होगी उतना ही सत्य की सृष्टि रचेगा। संपूर्ण सत्य की जानकारी होगी, संपूर्ण सच्ची सृष्टि रचेगा और सत्य का स्थापन हो जाएगा। हर आत्मा के लिए यह नियम है, जैसी रचना रचेगा वैसी प्राप्ति करेगा। तो पहले पहले है देवी देवताओं का धर्म, ब्रह्मा द्वारा कौन से धर्म की स्थापना हुई? है ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई। ब्राह्मण तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, जब ऊपर नीचे होना बंद हो जाए, पक्का ब्राह्मण बन जाए, यज्ञोपवीतधारी, तीन सूत्रों का पूरा ज्ञान धारण कर ले, ब्रह्मा के द्वारा कैसे कैसे ब्राह्मणों की पैदाइश होती है, एक ही तरह के ब्राह्मण बनते हैं या नौकुरी के ब्राह्मण बनते हैं? ब्रह्मा द्वारा नौ प्रकार के ब्राह्मणों की रचना होती है, एक से एक श्रेष्ठ और एक से एक कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट। तो दुनिया में कितने प्रकार के धर्म बन गए? नौ प्रकार के धर्मों की रचना हो गई। तो कह सकते हैं कि त्रिमूर्ति में सभी धर्मों की बात आ जाती है। वास्तव में ब्रह्मा की गोद में सब धर्म की आत्माएं पलती हैं, परंतु विष्णु की गोद में किसकी पालना होती है? सब धर्मों की पालना नहीं हो सकती, उनके द्वारा तो सिर्फ देवता धर्म की आत्माओं की ही पालना होती है।
पहले पहले है देवी देवताओं का धर्म। बाबा ने मुरली में लिखा था, त्रिमूर्ति गोला बहुत बड़ा बना करके दिल्ली के जो मुख्य स्थान हो, जहां आना जाना लगा रहता हो वहां लगाओ। तीन के सीट हो, सीढ़ी में तो और धर्मों का आता ही नहीं है, तो मुख्य है ये त्रिमूर्ति और गोला के चित्र, और समझाने बिल्कुल क्लियर हो। समझाना ही इस बात पर है, पहले पहले तो बाप का परिचय दो, ऊंचते ऊंच बाप, और धर्म पिताओं को ऊंचते ऊंच नहीं कहेंगे, वो ग्रेट फादर्स हैं, परंतु उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे। बाप से ही सुख शांति का वर्षा मिलता है, और धर्म पिताओं से सुख शांति का वर्षा नहीं मिलता है। दुनिया और ही अशांत होती जाती है, दुख और ही बढ़ते जाते हैं, परंतु बाप जब इस सृष्टि पर आता है और आने के बाद जब ब्राह्मणों को संपूर्ण स्टेज में पहुंचाता है, ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं पढ़ाई पढ़कर, तो दुख का नाम निशान नहीं रहता, सुख की सृष्टि तैयार हो जाती है और दुख की दुनिया विनाश हो जाती है। तो बाप से ही वर्षा मिलता है, पहली बात यह है एक। और जो भी दूसरे चित्र हो उन पर पर्दा डाल दो, पहले बाप का निश्चय करने बगैर तुम्हारा कुछ भी समझेंगे नहीं। क्या त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाओ तो पहले किसका परिचय देना चाहिए? हैं? बाप का परिचय देना। कहां कौन सा बाप है त्रिमूर्ति में? हैं? त्रिमूर्ति में जिसको बाप क्रिएटर है या रचयिता कहेंगे, वो बाप कौन है? उन बेसिक नॉलेज वालों ने तो ऊपर शिव ज्योति बिंदु को रख दिया है, परंतु शिव ज्योति बिंदु को मूर्ति थोड़े ही कहेंगे। त्रिमूर्ति में से एक मूर्ति है क्या है? उसको तो मूर्ति नहीं कहेंगे। तो जो बोला कि और चित्रों पर पर्दा डाल दो, पहले बाप का परिचय दो, तो कौन से चित्रों पर पर्दा डालने की बात है? ब्रह्मा और विष्णु के चित्र पर पर्दा डाल दो, ताकि उनकी बुद्धि उनमें न जाए, पहले बाप का परिचय दो। अब बताओ उन ब्राह्मणों में और तुम ब्राह्मणों में कितना अंतर हो गया? वो बाप के ऊपर ही पहले पर्दा डाल देते हैं और ब्रह्मा को पहले प्रत्यक्ष करते हैं, और तुमको क्या कहा? बाप का परिचय दो और दूसरे चित्रों के ऊपर पर्दा डाल दो। पहले पहले बाप का निश्चय कराने के बगैर तुम्हारा कुछ भी नहीं समझेंगे। अगर बाप को ही नहीं समझते हैं तो उनको और चित्रों पर समझाना बिल्कुल फालतू है। क्या हमारे कुल का होगा तो बाप के चित्र के ऊपर समझानी उसको समझ में आ जाएगी, हमारे कुल का नहीं होगा तो कितना भी समझाओ पूरी बात
समझेगा नहीं, और अब अगर खींच खींच के समझ भी लिया तो आगे चल करके जब परीक्षाओं के दौर आएंगे तो हमको धोखा दे जाएगा, यहां भी धोखा देगा और द्वापर कलयुग में भी जब विधर्मियों का राज चलेगा तो वहां भी धोखा दे जाएगा। बाप के परिचय मिलने बगैर फालतू डिबेट करते रहेंगे, अलग को समझने बगैर कुछ भी नहीं समझेंगे, बाबा के परिचय बगैर और कुछ भी बात मत करो, डिटेल में जाने की दरकार ही नहीं, पहले बाप का परिचय, बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा ख्याल करते हैं ऐसी सहज बात क्यों नहीं समझाते हैं, न समझते हैं और न समझाते हैं। तुम्हारी आत्मा का बाप शिव है, वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, तुम सब बिंदु बिंदु आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो, भाई बहन भी नहीं हो, तो बेहद के बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। आत्माओं के बाप से आत्मिक वर्षा मिलेगा या देह के सुखों का वर्षा मिलेगा? आत्मिक वर्षा मिलता है, फिर बाद में तुम तमो प्रधान बनते हो, जब अपन को देह समझना शुरू करते हो। बाप को याद करो तो सत्व प्रधान बन जाएंगे। पहले पहले ये समझानी चाहिए, मूल बात ये है, रचयिता को जानना और रचना को जानना। कोई भी नहीं जानते हैं कि रचयिता कौन है और रचना कौन है, ऋषि मुनि साधु सन्यासी कोई नहीं जानते हैं। गोया नास्तिक हो गए, तो पहले पहले बाप का निश्चय बिठा करके आस्तिक बनाना है, उनकी आस्था बैठाना है। उनकी आस्था एक बाप पर बैठती है तो कहेंगे आस्तिक, अगर बाप और बाप की रचना पर उनकी आस्था नहीं बैठती है तो क्या कहेंगे? नास्तिक। बाप कहते हैं तुम मुझे जानने से सारी रेजगारी की बातें समझ जाएंगे, मुझे नहीं जाना तो कुछ भी डिटेल नहीं समझेंगे, मुफ्त में टाइम वेस्ट करते हो। चित्र भी ड्रामा अनुसार जो बने हैं वो ठीक हैं, परंतु बाबा सोच में बैठते हैं। तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी कोई की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता? क्यों नहीं बैठता, कब की बात है? है? हाँ, उस समय कोई की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता कि रचयिता कौन है रचना कौन है? खुद जो समझाने वाला मुख है वो स्वयं ही नहीं जानता कि सृष्टि का रचयिता कौन है। साकार में रचयिता चाहिए, वो रचयिता कौन है और फर्स्ट क्लास रचना कौन है? बच्चे कहते हैं बाबा क्या हमारी समझाने में भूल है? वह क्या है? बाबा फट से कह देते हैं हाँ तुम्हारी समझाने में ही भूल है, तुमने अलफ कोई नहीं समझा है तो दूसरों को कैसे समझावेंगे? अलफ की समझानी पहले देनी है, नहीं समझते हैं तो फट से रवाना कर दो।
अगर रवाना नहीं करेंगे तो क्या होगा है? फट से रवाना नहीं करने किया, उनको अंदर टिकने दिया और वो टिक गए तो क्या होगा है? चला दो, वो अंदर ही अंदर विस्फोट करते रहेंगे और भाई बहनों को अनिश्चय बुद्धि बनाते रहेंगे। आखिरीन खुद भी भागेंगे और ढेर सारा ग्रुप अपने पीछे ले जावेंगे। इसलिए बोला कि अलग को नहीं समझते हैं तो फट से रवाना कर देना चाहिए। जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठेगा, फिर हम क्यों टाइम वेस्ट करें? बच्चे कहते हैं बाबा हम कितना भी समझाते हैं कोई की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अरे अलफ को नहीं समझा है तो धूल भी बुद्धि में नहीं बैठेगी है? ये क्या मतलब? धूल नहीं बैठेगी क्या मतलब? अरे अलफ जिस धूल में प्रवेश करता है, देह अभिमानी में प्रवेश करता है, देह की मिट्टी में प्रवेश करता है, वो भी उसकी बुद्धि में बैठेगा? बैठेगा नहीं। भक्ति मार्ग का भूसा ही उनकी बुद्धि में भरा हुआ है, और भूसा जब निकले कैसे निकले? बाप को समझे, बाप को याद करे तो यात्रा से भूसा निकले। तुम भी जब तक इस अवस्था में नहीं बैठते हो तो तुम्हारी आंखें क्रिमिनल होती रहती हैं। किस अवस्था में बैठना? अपन को आत्मा समझ है? जो बाप है आत्माओं का, जो हमको समझानी देने वाला है और हम समझने वाले बच्चे बनते हैं। अगर उसको नहीं समझा तो आंखें क्रिमिनल होती रहेंगी, सिविल आंखें तब बनेंगी जब अपन को आत्मा समझेंगे। देही अभिमानी होंगे फिर आंखें तुमको धोखा नहीं देंगी। देही अभिमानी नहीं तो माया धोखा देती रहती है। इसलिए पहले पहले तो आत्माभिमानी बनना है। बाप कहते हैं अपना चार्ट दिखाओ तो मालूम पड़े, भले सारा झूठ सारे पाप लिखो। अगर तुम झूठा लिखते रहेंगे तो तुम्हारा ही बेड़ा डूब जाएगा, अपन ही सत्यानाश करेंगे। बाबा झट समझ जावेंगे इसने सच्चा लिखा है या झूठा लिखा है। सभी बच्चों को बाबा कहते हैं चार्ट लिखो, नहीं लिखते हैं तो बाबा समझाते हैं। योग में नहीं रहते हैं इसलिए इतनी सर्विस नहीं होती, वाणी में जौहर नहीं भरता है। भल बाबा कहते हैं परंतु धारणा बुद्धि में नहीं है। कोटों में कोई ही निकलेंगे परंतु तुम खुद ही योग में नहीं रहते हो तो दूसरा फिर कैसे रहेगा? सभी अपने घर जाना चाहते हैं। सन्यासियों ने कहा है सुख काग विष्टा समान है, तो सुख का नाम ही नहीं लेते हैं। क्यों नहीं नाम लेते हैं? क्योंकि बुद्धि में बैठा हुआ है,
शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों की बात पर विश्वास करते हैं कि स्वर्ग में भी देवताएं भिखारी होते हैं। तो कहते हैं सुख स्वर्ग के सुख काग विष्ट समान, भक्ति मार्ग वालों से तुम ज्ञान मार्ग वालों की लड़ाई है, उनकी भक्ति तो अथाह है, बहुत चहचहाता है, बहुत अशांति हो जाती है, तुम्हारी नालिश तो बिल्कुल शांति की है। वो चाहते हैं कि सभी शांति हो, बोलो सभी धर्मों में शांति कैसे हो जाएगी? शांति का सागर तो एक बापी है, उन उन धर्मों के फॉलोअर्स तो अलग अलग बाप बताते हैं, वो शांति कैसे स्थापन करेंगे? अभी अपन को आत्मा समझो, आत्माओं का बाप एक ही है, उस बाप को याद करेंगे तो शांति मिल जाएगी। वो सत्य बाप है, सत्युग स्थापन करते हैं तो सत्युग में शांति भी होती है, नई दुनिया में होती ही है शांति का राज्य। बहुत बच्चे हैं सच नहीं बतलाते हैं, तो अपना ही कल्याण करते हैं, अपने लिए ही झूठ की दुनिया रचते हैं, चार्ट ही नहीं लिखते। नालिश तो बहुत सस्ती है, मैगजीन तो लिखना सहज है, बहुत लिखते हैं। 25 मार्च 1968 की वाणी का तीसरा पेज। पहले मुख्य बात है अपन को आत्मा समझ, शिव बाबा को याद करो, नहीं तो ऐसे तो शिव बाबा की पुजारी ढेर है। मूल बात है अपने को आत्मा समझना, फिर बाप को याद करना। बाप कहते हैं मन मना भव, मेरे में मन को रमा दे, जो मेरे अंदर संकल्प है वो तेरे अंदर समा जाए। परंतु ये मनमना अभव अक्षर भी बोलना नहीं है, इसके अर्थ में टिकना है। हिंदुस्तान की तो है हिंदी भाषा, फिर संस्कृत तो दूसरी भाषा क्यों? ये मनमना अभव अक्षर तो गीता से उठाया है, संस्कृत का अक्षर है ना। आजकल ये गवर्नमेंट क्यों संस्कृत पद पर जोर देती है? ये संस्कृत तो अपने काम ही आने वाली नहीं है, तो इन भाषाओं आदि को छोड़ दो। पहले पहले तुम भाषण करो तो बोलो, अपन को आत्मा समझो। ऐसे बहुत हैं जो अपन को आत्मा भी नहीं समझ सकते। क्या जो आत्मिक स्थिति में ब्राह्मण नहीं टिक सकते, अपन को आत्मा नहीं समझते, ज्योति बिंदु की याद में बिल्कुल टिक ही नहीं सकते, तो उनका क्लास ट्रांसफर होगा। क्लास ट्रांसफर तभी ही होगा जब आत्मा की सारी कट देह अभिमानी की उतर जाए। बेसिकली अपन को आत्मा समझे तब डायरेक्ट बाप से सीखे। याद ही नहीं कर सकते, ऐसे अपने घाटे की कोई बात समझ ही नहीं सकते। कल्याण तो है ही बाप की याद में, और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहते कि अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो। क्यों नहीं कहते?
हैं, क्योंकि और जो भी सत्संग हैं उनमें जो भी गुरु बैठते हैं, गुसाई बैठते हैं, वो सब देह अभिमानी हैं। और कोई सत्संग में ऐसे कहते ही नहीं। बच्चे कब बाप को एक जगह बैठकर याद करते हैं क्या? उठते बैठते बाप को याद करना है, आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। तुम बहुत टू मच बोलते हो, बात मत पूछो, इतना बोलना तुम्हारा होना नहीं चाहिए। मूल बात है बाप को याद करने की। बहुत बोलते हैं, इससे क्या साबित होता है? आत्मा अभिमानी है या देह अभिमानी है? ये वाचा भी देह से निकलती है या आत्मा से निकलती है? ये तो देह रूपी यंत्र है, उसी से वाचा निकलती है। बस योगाग्नि से ही हम पावन बनेंगे। अभी सभी दुखी हैं, सुख मिलता ही है पावन बनने से। पतित बनने से दुख मिलता है, पावन बनने से सुख मिलता है। तुम खुद आत्माभिमानी हो, किसको समझावेंगे तो किसको जरूर तीर लगेगा। कोई खुद विकारी है और दूसरों को कहे निर्विकारी बनो तो उनका तीर लगेगा ही नहीं, क्योंकि खुद ही पतित है। ये भी ऐसे है, तुम खुद याद की यात्रा में रहते नहीं हो, इसलिए किसको तीर लगता नहीं है। अभी बाप कहते हैं बीती सो बीती, अभी पहले अपन को सुधारो, दिल से पूछो हम अपन को आत्मा समझ बाप को कितना याद करते हैं। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम शिव बाबा का बच्चा हूं तो जरूर हमको स्वर्ग का मालिक बनना चाहिए। बाप एक ही मासूक है, तुम सब उसके आशुक हो। अभी आशुक आकर के खड़ा हुआ है तो उनके साथ बहुत लव होना चाहिए। लव माना ही याद, शादी होती है तो स्त्री का पति के साथ कितना लव जाता है। अभी तुम्हारी भी सगाई हुई है ना, तुम्हारी सगाई हुई है, शादी नहीं हुई है। शादी तो तब कहेंगे जब तुम विष्णुपुरी में जावेंगे। पहले शिव बाबा के पास जावेंगे, फिर ससुर घर जावेंगे। सगाई की खुशी होती है ना, सगाई हुई और याद पक्की हुई। सत्ययुग में भी सगाई होती है, वहां की सगाई कब टूटती नहीं है, अकाल मृत्यु ही नहीं होती है। ये अकाल मौत तो यहां होता है, सगाई एक बार की, फिर अगर नहीं होती, सगाई तो पवित्रपने में होना चाहिए ना। तो बाप समझाते हैं ये नालिश तो सहज है, बाकी याद की यात्रा कहाँ है। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते याद करना है, बल नजदीक में रहते हैं तो भी उन्नति थोड़ी ही होती है। जो उस लव से आते हैं उनकी बहुत उन्नति होती है, याद नहीं करते हैं तो लव थोड़े ही रहता है। अगर लव हो तो जरूर शिक्षा धारण करें, बाप का परिचय देवें,
अगर बाप का परिचय नहीं देते हैं तो समझो लूले लंगड़े हैं। बाप ने कहा था मंदिरों में जो शादियों के लिए हाल बनाते हैं उनको जाकर के समझाओ, परंतु कहां से भी समाचार नहीं आया है कि हमने ऐसे ऐसे समझाया। तुम वहां भी उनको अच्छी रीति परिचय दे सकते हो, बोलो भगवान वाच है, गीता में लिखा हुआ है काम महाशत्रु है, और तुम लोग यहां क्या करते हो? तुम उनसे मिलकर के समझा सकते हो, बोलो बाबा ने हमको यहां भेजा है, काम कटारी चलाने के लिए जिन्होंने हाल बनाया है उनको पैगाम दो, ये काम विकार तो महाशत्रु है जो आदि मध्य अंत दुख देते हैं। हम आपको बाप का पैगाम देने आए और शिव बाबा ने हमको भेजा है। तुम तो पवित्र सतयुग के मालिक थे, फिर अभी गिरे हो तो गंदे बन पड़े हो, अभी अंतिम जन्म फिर से पवित्र बनो। काम चिच्छा पर बैठने का यह हथियाला बांधना तोड़ दो, ये हाल हमको दो तो हम सभी को ये शिक्षा देंगे, सभी को पैगाम दे करके काम चिच्छा से उतार करके ज्ञान चिच्छा पर बिठावेंगे। तुमने तो ये कोष घर बनाया है परंतु एक भी बच्चे का समाचार नहीं आया है कि हमने ऐसे ऐसे सर्विस की। बाप ने हमारे थ्रू ये संदेश भेजा है, धन बहुत है तो उस धन से पाप के काम थोड़े ही लगाना चाहिए। अब ये धंधा छोड़ दो, कोष करने के लिए तुम दुकान निकाल करके बैठे हो, तुम योग में रह करके बोलेंगे तो फिर उनको तीर लगेगा। ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए, ये याद का जौहर है। पहले तो मुख्य है एक बात, कहते हैं हम तो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन मुंह निकलता तो कोई बहुत मुश्किल है। बाप कहते हैं अभी तुम याद की यात्रा की मेहनत करो, योग में रह करके कोई को समझाओ, फिर रावण से हराने से विकारी बनते हो, अभी फिर निर्विकारी बनो। ये काम कटारी का धंधा छोड़ दो, ऐसा करेंगे तुम्हारी सभी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। 25-3-68 की वाणी का चौथा पेज, बोलो बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाबा अभी गुहे डायरेक्शन तो बहुत देते रहते हैं परंतु बच्चे पकड़ते नहीं हैं, और बातों में जाने की क्या दरकार है, मुख्य बात तो है बाप का पैगाम दो। खुद ही याद नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे कहेंगे, ये ठगी तो यहां चलेगी नहीं। ये तो जैसे गीदी खोर हो जाते हैं, दूसरों को कहना और खुद नहीं करना, दूसरों को कहेंगे विकार में न जाओ और खुद जावेंगे तो जरूर दिल खावेगी। ऐसे हराम घोर बहुत होते हैं, फिर दूसरों को तीर लगेगा ही नहीं, मूल बात को पकड़ना चाहिए ना। बाप कहते हैं अलग को जानने से तुम सभी कुछ जान लावेंगे, अलग बिगर कुछ भी नहीं समझेंगे। एक पंडित का मिसाल भी सुनाते हैं, बोला राम राम कहने से नदी पार हो जावेंगे। एक दिन पंडित को कहा चलो उस पार, तो बोला बोट कहाँ है, कहने लगे अरे तुमने तो कहा था राम राम कहने से नदी पार हो जावेंगे। तो उन्होंने निश्चय से विजय पाली और नदी पार हो गए।
और पंडित जी वहीं खड़े रह गए, किंतु बोट तो उनको दिखाई नहीं थी, वो था कुकर ज्ञानी। तुमको ऐसा कुकर ज्ञानी नहीं बनना चाहिए, इस बात में बड़ी मेहनत है, इस बात में ही फेल हो जाते हैं। अभी ये योग अक्षर निकाल दो, कहो याद, परमपिता परमात्मा की याद करो, परंतु परमपिता परमात्मा का अर्थ ही नहीं जानते। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुम याद में नहीं रहते हो इसलिए तुम्हारी सर्विस कम होती है। किसकी याद में नहीं रहते हो? परमपिता परमात्मा की याद में। ये क्या बात, परमपिता परमात्मा की याद न कहें, परमात्मा परमपिता की याद कहें तो है? परमात्मा परमपिता क्यों नहीं कहते? परमपिता शब्द क्यों पहले? जैसे कहते हैं शिव शंकर, शिव का नाम पहले, शंकर का नाम बाद में, ऐसे ही परमपिता माने जो भी पिताएं हैं, चाहे निराकारी आत्माओं का बाप और चाहे मनुष्य सृष्टि के बाप और चाहे मनुष्यों के अलग अलग जन्मों के बाप, परंतु जो आत्माओं का पिता है वो सर्वोपरि है। और वो आत्माओं का पिता पहचान में तब ही आता है जब मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करे। तो पहले कौन है और बाद में कौन है? परमपिता पहले और बाद में प्रवेश करता है जो आत्माओं के बीच में परम पाठधारी आत्मा है, हीरो पाठधारी आत्मा है, उसमें प्रवेश करता है। इसलिए परमपिता पहले, परमात्मा बाद में। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुम एक्यूरेट याद में नहीं रहते हो इसलिए तुम्हारी सर्विस कम होती है, नहीं तो चार्ट क्यों नहीं लिखते हो? अहंकार आता है ना, बाप इतनी बड़ी अथॉरिटी है परंतु इतना लव थोड़ी है। किसका थोड़ा अच्छा ज्ञान हो गया, लिखा पढ़ी अच्छी की तो नशा चढ़ जाता है, उसे कहेंगे देह अभिमान का नशा। बाप कहते हैं तुम पावन बनेंगे ही आज की यात्रा से, मूल बात में ही कमजोरी होगी, तुम ऊंचे पद पा ही नहीं सकेंगे। ये बाबा तो सबसे जास्ती पुरुषार्थ करता होगा, तब तो इतना ऊंच पद पाते हैं, उनको तो सर्टन है। स्कूल में मॉनिटर जो होगा उनके लिए सभी कहेंगे ये बहुत होशियार है, ये तो सबसे आगे है ना। और तो बहुत है जिनकी इनमें आंखें ही नहीं डूबती हैं, कहते हैं हमको तो शिव बाबा से लेना है, ये तो खुद ही कहते हैं मैं जानता हूं ना बाबा है, निश्चय है। तुम ऐसे निश्चय रख नहीं सकते हो, नंबर वन की ही बात है, ये जानते हैं हम शरीर छोड़ करके ये बनेंगे, इनका तो सबूत है ना। क्या कहा, कौन जानते हैं हम ये शरीर छोड़ करके यह बनेंगे? है ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में था कि हम ये शरीर छोड़ करके फिर ये कृष्ण बनूंगा, तो इनका तो सबूत हो गया, फिर भी मॉनिटर का मानते नहीं है, कहते हम तो शिव बाबा से ही लेंगे। मॉनिटर से हमारा क्या काम? अरे मॉनिटर बिगर सुनेंगे कैसे? तो बाई बैठ करके शिव बाबा से ले लो, क्यों आते हो ब्रह्मा के पास मधुबन में? कई है ब्रह्मा की बात भी नहीं सुनते हैं, ब्रह्मा को जैसे जानते ही नहीं है, तो समझता हूं इनकी जैसे तकदीर में ही नहीं है। नहीं समझते हैं तो जाकर के घर बैठो, यहां क्यों आए? ये तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का घर है, इसमें बड़ी समझ जाइए, और कोई बातों में जाने की दरकार नहीं। पहले पहले बाप का परिचय, सिवाय शिव बाबा के चित्र के और कोई चित्र दिखाओ ही नहीं।
जब शिव बाबा का चित्र समझाओ तो और चित्रों पर पर्दा डाल दो, शिव बाबा के चित्र का अलग कमरा बना दो। जब तक शिव बाबा के चित्र पर समझे नहीं तब तक दूसरा दरवाजा खोलो ही नहीं। पहले अलफ को समझे, अलफ को समझे और फिर लिख करके देवे। बाप का परिचय बिगड़ सुधरेंगे ही नहीं। बंदरों से तुम कितना भी माथा मारेंगे सुधरेंगे नहीं। और सभी बातों को छोड़ पहले पहले अलफ की बात, एक ही शिव बाबा का चित्र रखो। शिव बाबा की इतनी महिमा है, शिव बाबा प्यार का सागर है ना, इतना प्यार और किसी को है ही नहीं। बल ब्रह्मा से है परंतु शिव बाबा साथ प्यार बच्चों का कम है। बाबा डायरेक्शन देते हैं, चार्ट भेजो, उन्नति के लिए कहते हैं, देखें ये कितना क्या याद करते हैं। नॉलेज वाले इतना नहीं लिखेंगे, याद की यात्रा वाले लिख करके भेजेंगे। वेद का प्यार इसको कहा जाता है, बाबा को फीलिंग आती है। शिव बाबा लव इनमें है ही नहीं। स्त्री पुरुष का विकार के लिए कितना लव जाता है, ये बाप निर्विकारी बनाते हैं तो इनको कितना प्यार से याद करना चाहिए। चार्ट दिखाओ, मूल बात यह है जिससे तुम पावन बनेंगे। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग।